गुजरात में हैं और हम निकले हैं ग्राउंड जीरो पर। रात की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और इस समय हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं, आप पीछे देखें तो पूरा चोल वाला इलाका है। तो लोग यहां पर हैं जो आम लोग हैं, जो आम जनता है और खासकर महिलाएं, हम उनसे ही बातचीत करेंगे। हमने उनसे कहा कि आप बाहर आइए, तो वो आकर आप देख सकते हैं कैसे जमावड़ा लग गया है। अब इनसे जरा बातचीत करते हैं कि अब की बार इलेक्शन में होने वाला क्या है, क्योंकि आम जनता जो होती है वही वोट देने जाती है। तो इनसे ही जरा बातचीत की शुरुआत करते हैं कि अब की बार मोदी जी या फिर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस। क्या नाम है अम्मा? उर्मिला बेन याग्निक। अच्छा, क्या लग रहा है, मोदी जी का काम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो क्या बिजली पानी की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर हो पाई? हाँ, हो पाई 100%। अच्छा, केजरीवाल को तो जानते होंगे। हाँ, वो कह रहे हैं फ्री बिजली फ्री पानी। नहीं, हमको नहीं चाहिए। क्यों? बस ऐसे ही है। अच्छा नहीं लगते वो? नहीं। और राहुल गांधी? वो भी नहीं। वो भी नहीं चाहिए? नहीं, वो भी नहीं चाहिए। अच्छा, मोदी जी में ऐसा क्या है जो आपको अच्छा लगता है? मोदी जी ने हमें गरीब इंसान को मुफ्त में राशन दिया, वैक्सीन दिया 1200 बेड के अंदर में। कोई अभी आंगनवाड़ी में बहनों प्रेग्नेंट होती हैं, उनके लिए फिर अनाज पानी, और अभी प्रेग्नेंट पहले बच्चा हुआ उनको दाल तेल और चना ये सब मतलब दे रहे हैं मोदी जी। अच्छा, और 2 साल से हम लोग को मुफ्त में राशन दे रहे। अच्छा, तो मतलब सारी सुविधाएं दिख रही हैं? पूरी सुविधा दिख रही हम लोग को। अच्छा, तो इसलिए अब उनको ही देंगे वोट 101%। ऐसा कह रहे हैं कि अब की बार जो किला था वो खत्म? नहीं होगा। अच्छा, दिल में बस गए मोदी जी मतलब? एकदम 101%। अच्छा, दिल में बस गए। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी याग्निक। लक्ष्मी जी, क्या लगता है कि अब की बार मोदी जी को दिवाली का गिफ्ट मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा? मिलेगा, उनको जरूर मिलेगा। अच्छा, क्या वोट देंगे या नहीं? हम वोट मोदी को देंगे और किसी को नहीं देंगे। केजरीवाल को नहीं? केजरीवाल को नहीं देंगे। राहुल गांधी? किसी को नहीं, सिर्फ मोदी। सिर्फ मोदी? हाँ, मोदी। ऐसा क्यों, महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए ऐसी कौन सी सुविधा आपको अच्छी लगी? मोदी जी ने हमारे लिए बहुत सारी सुविधा की है, जिसमें लेडीजों को भी कहीं अब आने जाने की प्रॉब्लम भी नहीं होती है, कहीं भी आ जाओ, और वैक्सीन भी दिया है मुफ्त में। कोरोना काल में सबको मुफ्त में खाना भी दिया था सबको। बस इसलिए हमको मोदी चाहिए और कोई नहीं चाहिए। केजरीवाल कह रहे हैं शिक्षा जो बेकार है गुजरात में वो अच्छी हो जाएगी। नहीं होगी, जो मोदी करेंगे वो सबसे अच्छा करेंगे। मंजू देवी, क्या लग रहा है अब की बार किसको जिताएंगे? मोदी जी को ही जिताएंगे। मोदी जी को? हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको राशन पानी सब देते हैं, हम रोज लाती हूँ राशन, हर महीने मुझे राशन मिलता है। फ्री मिल रहा है? हाँ। ऐसा तो नहीं है कहीं बस बात ही बात? नहीं, मुझे मिलता है भाई, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, जो बोलना है सच बोल रही हूँ। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम भी आएंगे, फ्री बिजली और फ्री पानी। हाँ, जो आएगा देखा जाएगा, लेकिन मोदी ने दिया है हमको खाने के लिए। अच्छा, दिया है? हाँ, राशन में लाती हूँ, हर महीने मुझे मिलता, मुझे झूठ नहीं बोलना है। अच्छा, बुजुर्गों को पेंशन भी यहाँ पे मिलती है? नहीं। हाँ, मिलती है। अच्छा। कोई कोई को मिलती है भाई। अच्छा। जो बुजुर्ग है उनको मिलती है, अब हम तो अभी उतने तो है नहीं। अच्छा, तो मतलब मिलती है यहाँ पे लोगों को? ऐसा नहीं है, समस्या है। हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम चावड़ा पार्वती बहन है। अच्छा, क्या लगता है मैम, कैसा रहा बीजेपी सरकार के जो 27 साल हैं, कुछ बेहतर हुआ यहाँ पर या नहीं? जो पहले कांग्रेस सरकार थी ना, जब इतना नहीं था, अभी हम 27 साल से देख रहे के देश के यशस्वी नरेंद्र मोदी साहब जो काम कर रहे हैं, प्रगति के पंथ पर चल रहे, वो सबसे सही बढ़िया काम कर रहे हैं, और हमें अभी भी विश्वास है को अभी और आगे विकास के लिए अच्छा काम करेंगे। और जो मोदी जी ने हमें कोरोना काल में नया जीवन दिया है ना, वो सबसे हमारे लिए योगदान है कि आज कोरोना काल में किसी को बख्शा नहीं है कोरोना ने। वैसे समय में हमको सबको वैक्सीन के लिए फ्री में सबको दिया है, घर घर जाके औरतों को दिया, और अर्बन लैंड से डॉक्टर की टीम भेजी, उन लोगों को घर घर जाके सबको वैक्सीन दिलाओ, ये भी अच्छा काम किया है। कोरोना काल में जो अनाज है वो भी फ्री में दिया है, कि सबकी चिंता की है, गरीब से लेकर अमीर तक सबकी चिंता की है मोदी जी ने। अच्छा। इसलिए हमारा विश्वास है कि हम मोदी जी को ही लाएंगे, मोदी के सिवा हमारे गुजरात में और कोई नहीं चाहिए। कहीं मन बदल जाए, अभी वोटिंग दबाने का टाइम तो अभी थोड़ा दूर है, कहीं देखा गया केजरीवाल जी आए वो बोले कि हमें ऐसे देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनकी तरफ मन चला जाए फिर? पहले तो हम ऐसे लालचू गुजराती है नहीं। अच्छा। बराबर, हम पक्के गुजराती है। अच्छा। और पक्के गुजराती का जवाब हम 2022 में उसको मुंह तोड़ देंगे। अच्छा। और केजरीवाल को पता चलेगा नारी शक्ति क्या है। अच्छा। उसका वो बोला है ना,
उसके सामने हम जवाब अभी नहीं देंगे। 2022 इलेक्शन जीत के उसको बताएंगे कि हम नारी शक्ति है और नारी शक्ति का प्रतीक 2022 में देंगे हम। वो तो कह रहे हैं कि नारी शक्ति तो है, चलो आपने सही कहा, नारी शक्ति है ही हमेशा, वो मोदी जी भी बोलते हैं, पर केजरीवाल कह रहे हैं कि अब की बार 120 सीटें हमारी हैं और जो झाड़ू है वो अब की बार फूल पर फिर जाएगी। झाड़ू तो है ना, घर में झाड़ू लगाने के लिए रखते हैं हम लोग, उसका इस्तेमाल हम सफाई के लिए ही रखते हैं, तो वो हमारे लिए वो बराबर नहीं है। अच्छा। हमारे मोदी बराबर है, हम झाड़ू को कोई इतना महत्व नहीं दे रहे, इतना हमारा मोदी हमारे लिए महत्व है। अच्छा। और केजरीवाल जो बोलता है ना वो कुछ करता नहीं है, वो लॉलीपॉप देता रहता है सबको। अच्छा। वो लॉलीपॉप देख रहे हैं। हाँ, वो तो दिल्ली वाले बोल रहे हैं, हम समाचार देख रहे हैं कि क्या फ्री दिया है उसने, फ्री में देके क्या तमाचा मारा है सबको, जनता के। अभी देखे वो सब लोग पछता रहे कि हमने केजरीवाल को लाके खरे खर गलती की है। अच्छा। वो गलती हम दूसरी बार गुजरात में नहीं देखने चाहते। अच्छा। जो श्रीलंका नहीं बनाना चाहते। अच्छा। इसलिए हमें केजरीवाल तो चाहिए ही नहीं, मुफ्त में देवे तो भी नहीं चाहिए। अच्छा। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनल अमीन है। सोनल जी, क्या लगता है कैसा रहेगा, बीजेपी आएगी के जाएगी? क्योंकि पहले तो दो की टक्कर हुआ करती थी, कांग्रेस और बीजेपी, अब की बार आम आदमी पार्टी भी आ गई बीच में। नहीं, पक्का अभी बीजेपी आएगी, मोदी जी आएंगे। अच्छा। हमें पक्का विश्वास है। ऐसा क्या लगा महिलाओं को कि उनकी तरफ जाना जरूरी है? महिला को सुरक्षित है, गुजरात में महिला सुरक्षित है। यहाँ रात को 12 बजे 2 बजे महिला अकेली फिर सकती है, दिल्ली जैसा नहीं है। पहले क्या होता था, पहले में और अब में कितना? रात में 8 बजे महिला बाहर अकेली घूम नहीं सकती थी, अभी घूम सकती है। अच्छा। और कोई चिंता नहीं रहती उसको। अच्छा। महिला को पूरा सुरक्षा दिया है। अच्छा, महंगाई कहते हैं, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। महंगाई तो बढ़ गई है। हाँ। पर क्या अभी सब में महंगाई बढ़ गई है। हाँ। हम मोदी जी को थोड़ा कहेंगे थोड़ा महंगाई कम करो। हाँ। पर सब सबकी बढ़ रही है। और केजरीवाल आके जादू तो करने वाला नहीं है कि वो महंगाई कम कर देगा, बराबर। तो मोदी जी जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, जो बढ़ रही है उसका भी कुछ कारण होगा, क्योंकि पूरी सरकार चलानी है, बराबर। तो वो जो क्या नाम है मैम? मैं मारवाड़ी शिल्पा बहन हूँ। अच्छा, मैडम क्या लगता है कैसा रहेगा बीजेपी अगर जो दोबारा से वापस आ जाते हैं, क्योंकि कह रहे हैं विकास हुआ नहीं? नहीं सर, विकास तो बहुत किया है उन्होंने, के नरेंद्र भाई जब नहीं थे तो पहले गुजरात की हालत कैसी थी और अभी है तो कैसी है। अच्छा। गरीब जनता को समझा है तो सिर्फ का सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब ने ही समझा है। अच्छा, अच्छा, आप यहीं पर रहते हैं? हाँ, यहीं आम्बा पार्क में हम रहते हैं। अच्छा, यहाँ लाइट की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था कैसी? फुल है सर, पहले तो चौल में एक ही नल था और सबको लाइन कटार हो करके सबको पानी भरना पड़ता था। अभी मोदी सरकार की वजह से हर घर में नल है, हर घर में शौचालय है, लाइट है, और हम मोदी जी से खुश है। कोरोना में कोई सामने देखने नहीं आ रहा था, पर एक मोदी साहब भी है कि जो अब तक फ्री में अनाज भी गरीब बस्ती को वो दे रहे हैं। अच्छा, मतलब सारी चीज मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। पहले चूल्हे पे रसोई करनी पड़ती थी, अब हर घर में हर महिलाओं को 100 रुपए में उन्होंने गैस का बाटला दिया है। हाँ, गैस मिली है मतलब। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनीता गुप्ता है। अनीता जी, कैसा लग रहा है कि बीजेपी सरकार ने 27 साल में कुछ किया के नहीं किया? बहुत कुछ उन्होंने किया, लॉकडाउन में हमारा उन्होंने बहुत साथ दिया, और मैं चाहती हूँ कि जब भी आवे मोदी ही सरकार आवे, मैं किसी और को नहीं पसंद करती। केजरीवाल जी भी तो नहीं भाई, वो नहीं पसंद है मुझे। राहुल गांधी? कोई नहीं, यहाँ हम लोग सुरक्षित है। 8 बजे घर से निकले, रात को 10 बजे घर से निकले, कहीं भी मैं अकेले जाती हूँ, पर मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगता। अच्छा, मतलब अब डर नहीं है? नहीं डर लगता। अच्छा, तो बीजेपी को ही देंगे वोट? बीजेपी को ही हमारा वोट जाएगा। मोदी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं 10 में से 10 दूंगी सर। आप कितने देंगे? पूरे का पूरा 10 में से 10, हर बार मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार। आप भी बता दीजिए कितने नंबर देंगे 10 में से 10? तो देखा आपने, हमने महिलाओं से बात करी और इन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि मोदी जी ने जो काम किया है वो यहाँ पर जमीनी स्तर पर दिखाई दिया है। आपको क्या लगता है? आप भी जाइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट कीजिए, इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।